हे गाइस, मैं आपको दोस्त रोज कृष्णा शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल कृष्णा गैलरी में। सो गाइस, आज के इस फोटोशॉप क्लास में हम 15 अगस्त को लेके एक बहुत ही बेसिक सा पोस्टर को क्रिएट करेंगे। तो गाइस, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अमेजिंग पोस्टर है, तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही सारा प्रोसेस को सीखेंगे। सो वेलकम बैक गाइज। तो गाइज, जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस खोल के रखे हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करके ये सारी चीजों को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको एक एक करके आप फोटोशॉप पे खोलेंगे और पूरा प्रोसेस जैसा कि मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको करना है। तो गाइज, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट है इसको मैं अपने फोटोशॉप पे खोल लेता हूँ। ठीक है, खोलने के बाद गाइज मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूंगा ऊपर से, ठीक है, और नीचे से भी थोड़ा सा इसको करप कर लेता हूँ। ठीक है, ओके पर हिट करते हैं। तो गाइस, अभी क्या है गाइस, ये जो सब्जेक्ट को खोलने के बाद इसको हमको कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए एक ऑप्शन होता है पेन टूल, पेन टूल से आप पूरे सब्जेक्ट को काट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से आप मैनुअली ऐसे करके काट सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक करिएगा तो आपका ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपको ला के देता है, यानी सिलेक्शन करके दे देता है। ये बहुत ही परफेक्ट है, ये यहाँ पर हमारा ये अंदर का पार्ट को भी ये सिलेक्ट करके बहुत ही परफेक्टली दे रहा है। तो इसको सिंपली हम मास्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मास्क कर दिया है। अभी हमारे पास जो बैकग्राउंड है, यानी हम इस बैकग्राउंड को यूज करेंगे, तो इसको सिंपली मैं उठाता हूँ और अपने फोटोशॉप पे लाके ऐसे करके खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमको इसको सेट करना पड़ेगा, तो मैं इस नीचे से पकड़ के इसको टान के बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए अभी परफेक्टली ये सेट हो गया। अभी क्या करना है, इसको उठा के नीचे की तरफ ला देना है। लाने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी हमारा मॉडल, ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको हम कंट्रोल टी करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए, ओके गाइस, तो इतना में ये बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट और अमेजिंग दिख रहा है ये। अभी हमारा क्या है, हमारा जो शू का पार्ट है उसको यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो हम लाना चाहते हैं। तो जैसे अभी क्या करूं, ये वाला लेयर को कंट्रोल जे कर लेके कॉपी कर लेते हैं और इसको उठा के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ऊपर लाने से पूरा जो सब्जेक्ट है वो ढक जाता है। उसको अभी क्या करेंगे, सिंपली ऐसे मास्क कर लेते हैं और कंट्रोल आई करते हैं। कंट्रोल आई करने से ये पूरा जो है चीज इनवर्स में तब्दील हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको सिंपली ऐसे ब्रश टूल ले लेना है। ब्रश टूल के साथ आपको व्हाइट कलर रखना है। व्हाइट कलर रखने के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ऐसे करके पेंट करना है। देखिए, तो आपका जो भी चीज है वो बहुत ही परफेक्टली आ जाएगा। ये देखिए परफेक्ट, बहुत ही अमेजिंग टाइप से हमने उस पाँव के जो पार्ट को था उसको कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे का प्रोसेस को समझते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, हमारा फ्लैग को लाना है इमेज में। तो फ्लैग को लाना है, तो फ्लैग को सिंपली हम क्या करते हैं, ये वाला फ्लैग यूज करेंगे। तो इसको हम फोटोशॉप में ऐसे करके लेके आके यहाँ रखते हैं। रखने के बाद आप इसको सिंपली ऐसे करके टेढ़ा कर लीजिए अपने हाथ पे, हाथ के शेप पे आपको इसको देना है, पूरा परफेक्टली देना है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं दे रहा हूँ आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या है गाइस, ये वाला जो हमारा फ्लैग है इसका कटिंग प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम हटा लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपली यहाँ से हमको लेना है पॉलीगोनिक लेसर टूल और सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक क्लिक करना है और ये जो पार्ट है अनवांटेड पार्ट इसको हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए हो गया डिलीट। अभी हाथ के अंदर का पार्ट को कट करना है, यानी कि हमारा ये वाले लेयर को मास्क कर लीजिए। मास्क करने के साथ आपको लेना पड़ेगा ब्रश टूल और यहाँ पे हम लेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, और हार्डनेस को लगभग इतना पे रखते हैं, 90 के आसपास रखिए और ब्रश को छोटा कर लीजिए। और इस फ्लैग का जो वैल्यू है इसको आप कम कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अभी सिंपली आप फोटो को जूम कर लीजिए, जितना भी आपका कंफर्टेबल हो उतना आप जूम कर लीजिए और ऐसे करके इरेज कर दीजिए ये वाला साइड का, मतलब हाथ का पार्ट। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट। अभी इसका जो वैल्यू है हम इसको पूरा 100 कर लेते हैं। तो आप देखिए ये हाथ का जो पार्ट था वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी गाइस हमको सिंपली क्या करना है, हमारा जो ये यहाँ पे जो ये हाथ है इसका शैडो बनाना है। तो शैडो बनाने के लिए सिंपली एक नया ले लेना है और उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के साथ आपको क्या करना है, इसका हार्डनेस को 0 रखना है और इस साइड में आपको ऐसे करके पेंट करना है। देखिए ये देखिए, तो आपका जो फ्लैग है उसके लिए आपने शैडो को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी अगर हम चाहे तो अभी हम ये जो दोनों लेयर है इसको मार्च कर सकते हैं, कंट्रोल ई करके मार्च कर देते हैं या फिर इसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और मार्च डाउन कर दीजिए तो ये नीचे आपका मार्च हो जाता है। ठीक है, अभी गाइस हमको क्या करना है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है हमारा, यानी इस लेयर को अगर हम यहाँ पे भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। रखने के साथ अभी हमको जो यहाँ पे ये जो ड्रेस है, ड्रेस इसके ऊपर ही फ्लैग आ रहा है, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके, और इस मास्क में क्लिक करके इसको इरेज कर लेंगे। देखिए ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, तो हमारा ये फ्लैग का पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे शेडो में काम करना है। तो शेडो में करने से पहले मैं क्या करूंगा, हमारा फ्लैग और ये दोनों जो सब्जेक्ट है इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करके मार्च कर दूंगा, तो इससे एक लेयर बन जाएगा, तो हमारा काम दो दो बार नहीं करना पड़ेगा। तो अभी सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, मैं लेवल का एडजस्टमेंट लेता हूँ और इस साइड से थोड़ा सा डार्क कर देंगे इमेज को, ठीक है, और मास्क कर देते हैं। सिंपली मास्क करने के साथ अभी हमको अपना सब्जेक्ट को जो है वो इनहेंस करना पड़ेगा, यानी हमारा यहाँ पे शेडो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ब्रश हमारा लिया हुआ है, इसका हार्डनेस को 0 रखते हैं और ऑपेसिटी फ्लो पूरा 100 है। अभी सिंपली मैं ब्लैक से हम इस साइड से इरेज कर लेते हैं। ये देखिए देख रहे हैं गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग आपका फोटो को लुक देगा। ये देखिए देख सकते हैं आप, ये हमने लेवल का सिंपल सा एक एडजस्टमेंट के साथ अपना फोटो का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया है। अगर आपको अपना फोटो ज्यादा लाइटेड चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली इसको कैमरा और फिल्टर में एक बार के लिए खोल लेता हूँ अपने फोटो को, ठीक है। खोलने के साथ अपने इमेज में क्या करूंगा, थोड़ा सा शेडो को इंक्रीज कर दूंगा, हाईलाइट को थोड़ा सा कम रखूंगा, उसके बाद अपने स्किन का जो कलर टोन है उसको चेंज कर देता हूँ, यानी ऑरेंज को ब्राइट कर दूंगा, और ब्राइट कर दूंगा, और सैचुरेशन थोड़ा सा हम डाउन करते हैं, रेट को बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा एडजस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपना कलर ब्लैक कलर को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो हम यहाँ से ब्लैक कलर को और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, देखिए ठीक है। नीचे से आप शेडो हमने क्रिएट कर रखा है, ओके पर हिट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ बेसिक सा एडजस्टमेंट के बाद हमारा इमेज। अभी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये पीछे वाला जो इमेज है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से एक लेवल का एडजस्टमेंट लूंगा और यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क कर दूंगा, ये देखिए ठीक है, ये देखिए ओके। तो गाइस ये बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन अभी मुझको ऐसा लग रहा है कि इस साइड से हमको थोड़ा सा इसको इरेज करके रखना चाहिए। ये देखिए ठीक है, परफेक्ट। अभी हमको सिंपली क्या करना है, अपने बैकग्राउंड में PNG डालना है। तो PNG को हम ओपन कर लेते हैं, PNG ये वाला है, हिंदुस्तान मेरी जान, ओके। तो ये वाला को हम सिंपली यहां से लाते हैं और ऐसे करके सेट करेंगे यहां पे। ये देखिए परफेक्ट, ये भी बहुत ही आसानी से सेट हो गया। आप इसको बहुत ही आसानी से डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसको बहुत ही नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे का जो चीज है, जैसे कि हमारा ये वाला PNG, इसको भी हम अपने फोटोशॉप पे ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम एक नया टैब पे ओपन करेंगे, इसका कारण ये है कि हम ये वाले को एक बार यूज करेंगे और ये वाले को, तो यहां से हम सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहां पे लाके कंट्रोल बी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करते हैं, इसको सिंपली उठा के ऊपर रखते हैं, 15 अगस्त जो है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे ये जो हमने डाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे इसका सैचुरेशन जो है थोड़ा कम है, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल यू कर लीजिए आप, तो ह्यू एंड सैचुरेशन का एक लेयर आपका पास आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज करिए, जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, देखिए ठीक है गाइस, बहुत ही अमेजिंग हो गया। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए राइट। और हमारा अगर सब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि थोड़ा इधर से उधर करना है, तो आप सिंपली आप दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे करके थोड़ा सा आप इस साइड में टान सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, ये देखिए। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना है तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा दूं, आप सिंपली यहाँ पे एक नया लेयर ले लीजिए, इमेज में जाइए और यहाँ से अप्लाई इमेज पे जाइए, ओके पर हिट कर दीजिए। सो गाइस अप्लाई इमेज का एक कमांड भी होता है जो कि आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई, ठीक है, ये करने से भी आपका सेम काम होगा। तो अभी हम चलिए फिर से चलते हैं अपने कैमरा रॉ फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखिए, आपका इमेज ऐसे तो बहुत ही परफेक्ट है, यहाँ पे मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा इसको विंटेज लुक दूंगा ऐसे करके, देखिए ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से थोड़ा सा स्किन और ब्राइटेड कर सकता हूँ, ये देखिए ऐसे करके। और अगर मुझको लगता है कि मेरा यहाँ से एक्वा कलर को और इंक्रीज करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपको एक्वा कलर को चेंज करने से ग्रीन की तरफ ले जाना है तो आप इस साइड ले जा सकते हैं, ब्लू की तरफ ले जाना है तो ब्लू की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो मैं कुछ इस टाइप का कलर को ही रखना इसमें पसंद करूंगा, थोड़ा सा यहाँ से वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखिए परफेक्ट। और यहां से थोड़ा सा हम क्लियरिटी को भी इंक्रीज कर देंगे अपने इमेज में, ओके ओके पर हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस ओवरऑल हमारा पूरा इमेज रेडी हो गया है।
तो गाइस ये वीडियो बहुत ही बेसिक और अमेजिंग है, 15 अगस्त के लिए आप इसको बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपने इसको बनाया है तो आप मुझको जरूर मेल करिए, हमारा मेल आईडी आपको नीचे दिख रहा होगा, आप इसको मेल कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।